वेलकम टू द पाठशाला। ये आपके एसएससी सीजीएल 2018 की इंग्लिश की क्लास चल रही है और हम इस क्लास में कर रहे हैं प्रोनाउन। आज हमारा प्रोनाउन का जो है वो चौथा लेक्चर है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। जैसे इस क्लास में करना क्या है, इस क्लास में आपको मेरे तीन कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर टू, कॉन्सेप्ट नंबर थ्री। कॉन्सेप्ट नंबर वन आपको इमीडिएटली अप्लाई करना है, मतलब अभी जब आप पढ़ रहे हो तो अभी अप्लाई करना है। अभी इसको कैसे अप्लाई करोगे, वीडियो को जो है पॉज करो, मतलब वीडियो को आप रोको। रोकने के बाद अपने अंदर ये सोचो कि जो आपने नाउन पूरा चैप्टर पढ़ा है क्या वो पूरा का पूरा याद है। अगर याद है तो ठीक है, फिर भी उसको अभी जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट की रूल्स हैं वो याद करो, या फिर अगर आप कुछ भूल रहे हो, आपके दिमाग में नहीं है, तो उनको जाओ एक बार रिवीजन मारो। उसके बाद क्या करो, फिर प्रोनाउन चेक करो कि अभी पिछले तीन लेक्चर में जो रूल्स कराए गए हैं क्या आपको वो याद है। अगर याद है तब भी उनको एक बार रिवाइज करो। अगर अभी रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा 10 मिनट। तो ये जो आपको भूलने वाला प्रोसेस है, ये जो लीकेज है, ये यहीं से रिवर्स होकर वापस इस माइंड बाउल में फिल हो जाएगा। तो ये माइंड बॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अप्लाई कर पाओगे। इस माइंड बॉल के कॉन्सेप्ट में मैंने यही बताया था आपको कि जो लीकेज होना है, जिस दिन होना है उसी दिन उसको रिफिल करना है, मतलब हमें कुछ भूलने नहीं देना है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट लगेगा। अगर आगे के काम पे ये छोड़ दोगे, मतलब कल पे टाल दोगे, तो क्या होगा, फिर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, चीज़ें बढ़ती चली जाएगी और रिवीजन एक बोझ बनने लगेगा। अभी करोगे 10 मिनट लगेगा और चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी। अब फिर बात करें कॉन्सेप्ट नंबर टू की, कॉन्सेप्ट नंबर टू आप किस तरह अप्लाई करोगे। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे इस वक्त 8 घंटा या 10 घंटा पढ़ रहे होंगे, जबकि मैंने उन्हें ये बताया कि 8 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ना है। 8 घंटे 10 घंटे अभी पढ़ने का मतलब ये है कि आप ये वाले ग्राफ पे हो, मतलब आप मैक्स जो है पढ़ाई कर रहे हो अभी। तो धीरे धीरे वक्त के साथ जो है आपकी एनर्जी जो है कम होती चली जाएगी और आप इतना घंटा मेंटेन नहीं कर पाओगे। अभी आपको क्या करना है, अभी सिर्फ आपको इस ग्राफ पे चलना है, मतलब अभी मैक्सिमम 2 घंटे, और अगर मैं सही से बोलूं तो आपको सिर्फ 1.5 घंटे की पढ़ाई करनी है, रिवीजन प्लस मेरा लेक्चर। अभी जब मैथ का लेक्चर आना स्टार्ट होगा तब आपको थोड़ा सा समय बढ़ाने की जरूरत है, फिर जब जीएस का लेक्चर आना स्टार्ट होगा तो आपको बढ़ाने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे आप लोग ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो यहाँ से हेल्प ले रहे हैं, कहीं और भी पढ़ रहे होंगे। तो जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं उनको क्या करना है, उनको तीन के तीनों कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से जो है फॉलो करना है। तो अपनी एफर्ट और कंसिस्टेंसी आपको 100% बनानी है। कैसे बनाएंगे, अगर आप माइंड बॉल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो और ये जो स्टडी का जो ग्राफ है इस तरह मेंटेन कर रहे हो और शाम को 6 बजे का लेक्चर शाम को 6 बजे ही फिनिश कर दे रहे हो, इट मीन्स है कि आप अपना एफर्ट और कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए हो। और यही आपका क्या करेगा, अगले 2-3 महीने में अच्छा खासा इन्वायरमेंट बनाएगा जिससे आपका IQ डेवलप हो जाएगा। आप वीक से धीरे धीरे स्ट्रांग स्टूडेंट होने लगेंगे। आप नोवाइस हो अभी, बोले तो बिगिनर हो, इसी से आपकी जो है मास्टरी आने लगेगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपको यही प्रोसेस अपनाना है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नया है, अभी किसी के रिकमेंडेशन की वजह से आया है, तो क्या कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन एक बटन होगी वहीं पे बगल में जहां पे चैनल का नाम लिखा रहता है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप में से जिन बंदों ने जो अपनी वॉलंटरी फी नहीं सबमिट की है वो इस नंबरों पर जो है अपना वॉलंटरी फी जो है पेटीएम कर सकते हैं। अब चलिए बात करें क्लास की। कल के क्लास में आप लोगों को एक डाउट हुआ था रूल नंबर 5 में, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इन वर्ड्स के साथ सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट और फेवर, इनके साथ पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता है। और बाद में यहाँ पे योर इस्तेमाल किया गया था, और ये और जबकि आपका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो आपने कमेंट में लिखा था कि सर योर पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, बस आप इसके साथ में ऐड कर लो कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव है उसके साथ भी ये केसेस होते हैं। और ये वर्ड जो है ना, ये एग्जाम के हैं, ये जो सेंटेंस है वो एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको एज इट इज एक बार समझ लो कि जब भी आपका योर और सेपरेशन करके आ जाए, योर फेवर करके आ जाए, या इन वर्ड के साथ आपका पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तो क्या करोगे, आप इनको इनके हिसाब से चेंज करोगे। जैसे यहाँ पे है योर सेपरेशन, तो सेपरेशन फ्रॉम यू करके चेंज करोगे, ठीक है। हिज साइट है, एट द साइट ऑफ हिम होना चाहिए, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को बदलोगे, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल करोगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ ऐड कर लो। तो अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन के रूल की तरफ, थोड़ा सा आराम से समझेंगे, समझने जैसा कुछ नहीं है। बात यहाँ पे समझिए कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बहुत आसान है। पहले तो ये समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन जब दिखाई दे कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़ों को, एक वर्ड आपको मिले प्रोनाउन के फॉर्म में और वो दिखा रहा हो कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जैसे हम कहें आइदर या फिर कहें नाइदर, या तो ये या तो वो, या फिर ना तो कहें या फिर वन ऑफ कहें, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इनको हम कैसे यूज करेंगे, इन
को जो है यूज करने से रिलेटेड जो कुछ रूल्स है वो यहाँ पे हम सीखेंगे। एक बार यहाँ पे हम सीख गए तो जब सेंटेंस में इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको पकड़ लेंगे और कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है आइदर को लेके, कि आइदर जो आइदर होता है हमारा, आइदर दो के लिए इस्तेमाल होता है, बस ये आपको याद रखना है। क्या? आइदर जो हमारा होता है वो दो के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा जो नाइदर है, नाइदर जो होता है ये ना तो के सेंस में आता है, ये भी दो के लिए इस्तेमाल होता है। आइदर और नाइदर दो का दोनों वर्ड क्या है, ये आपका दो के लिए इस्तेमाल होता है। आइदर पॉजिटिव सेंस में आता है, मतलब निगेटिव सेंस में नहीं आता है, या तो के सेंस में आता है। नाइदर ना तो के सेंस में आता है। और जैसे या तो के सेंस में कैसे हो गया, जैसे दो बंदे हैं, दो में हम ये कहें या तो ये, तब वहां पे क्या आएगा? आइदर। नाइदर कब आएगा? जब हम बोले ये दो बंदे हैं, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, तो ये निगेटिव मीनिंग रखता है, ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। इसके अलावा जैसे सपोज करो ये दो हो गए, इसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा में हो तो उसके लिए पता है हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वन इस्तेमाल करते हैं, एनी इस्तेमाल करते हैं, और अगर ना तो के सेंस में इस्तेमाल करना हो तो हम नन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्या? आइदर दो के लिए होता है, नाइदर दो के लिए होता है, वन एनी और नन ये दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यहां पे है क्या, जैसे आइदर, अब दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी, यहां पे आइदर का इस्तेमाल किया गया है और थ्री फ्रेंड्स लिया गया है, इट मीन्स ये गलत है। तो आइदर अब दीज टू पेंस इज रेड, ये सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। जब दो के बात करेंगे तब हम आइदर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम तीन की बात करेंगे तब हम बात करेंगे एनी, या फिर बात करेंगे हम वन की। एनी ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी, या फिर वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी। तो ध्यान रखिएगा कि दो से ज्यादा के लिए एनी का इस्तेमाल करते हैं या फिर वन का इस्तेमाल करते हैं, जब दो की बात की जा रही हो तो हम आइदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल इसी पे ले लिया है, वन ऑफ दीज बॉयज इज नॉटी, ये जो बॉयज है आपका प्लूरल फॉर्म है, मतलब दो से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे हमने वन लिया है। एनी आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी ऑफ दीज बॉयज इज नॉटी। तो एनी और वन दो के दोनों जो है क्या आपको इस्तेमाल करना है दो से ज्यादा के लिए। आइदर और नाइदर का इस्तेमाल कहाँ करना है आपको? दो के लिए। अब नाइदर पे भी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, समझ लीजिए इसको। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एक्टिव, ये सही है। नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, ये जो नाइदर लिया गया है ये चार की बात हो रही सन्स की, तो यहां पे नाइदर गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए? नन। तो ध्यान रखिएगा निगेटिव सेंस के लिए, कि कोई नहीं के सेंस में नन का इस्तेमाल करते हैं दो से ज्यादा के लिए, मतलब प्लूरल फॉर्म एक तरीके से नन समझ सकते हैं। प्लूरल फॉर्म नहीं होता ये, एक्चुअली नन भी आपका सिंगुलर होता है। इसका यह मतलब होता है कि जब बहुत ज्यादा लोग हों, बहुत ज्यादा लोग हों, ठीक है, उसमें से हम बात करें कि कोई भी नहीं, कोई भी नहीं तो सिंगल बंदे की बात कर रहे हैं कि कोई भी नहीं। अब जैसे इसको नाइदर से समझिए आप, ये हो गया आपका नाइदर, यहाँ पे दो बंदे हैं, ना तो ये ना तो ये, तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। इसी तरह नन भी आपका सिंगुलर है, इसको प्लूरल मत समझिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से कोई नहीं, मतलब किसी एक की बात की जा रही है, सबकी बात एक साथ नहीं की जा रही है। बस ये है कि यहाँ पे सिर्फ दो बंदे प्रेजेंट है और यहाँ पे कई सारे बंदे प्रेजेंट हैं। इसमें से हम बात कर रहे हैं कि ये भी नहीं होगा, 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 ये भी नहीं, मतलब जितने लोग हैं उनमें से किसी की भी बात नहीं होगी, लेकिन नन भी आपका क्या है? सिंगुलर है। अब यहाँ पे एक रूल और आता है कि जैसे यहाँ पे हमने लिया ईच ऑफ द बॉयज हैज ए नोटबुक, ये एग्जाम्पल है आपका, इसमें रूल क्या है? रूल ये है कि जो आपका ईच है, ठीक है, ईच के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। ईच जो आपका वर्ड है, ईच के बाद जब भी आपका आए कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, दोनों को क्या रखते हैं? हम प्लूरल फॉर्म में रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह कुछ वर्ड और होते हैं, जैसे हमने यहां पे बात की कि ईच ऑफ, इसी तरह होता है आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, और दूसरा वर्ड हो जाएगा आपका नाइदर ऑफ। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसके बाद जो कुछ भी नाउन या प्रोनाउन आपका यहां पे इस्तेमाल होगा वो आएगा आपका प्लूरल फॉर्म में, ये चीज आपको याद रखना है। और एक चीज और यहीं पे समझ लीजिए, इसमें कई साले मैंने रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 करके लिखे हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं यहीं पे, कि ये जो आपका ईच ऑफ आया है, ईच ऑफ या फिर आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ, इनके बाद जो आपका ये नाउन या प्रोनाउन आता है ये प्लूरल फॉर्म में आता है, एक तो ये हो गया रूल। इसके पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। ईच आप, जैसे यहां पे है ईच अब द बॉयज हैज ए नोटबुक,
अब दूसरी चीज है कि इसके बाद जब भी आप वर्ब इस्तेमाल करोगे, प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे, इमीडिएट बात अलग हो गई। इमीडिएट के बाद जब दूर पे थोड़ा सा इस्तेमाल करोगे वर्ब या प्रोनाउन, तो ये दोनों भी सिंगुलर यूज होंगे। प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर सेंस में यूज होगा और जो वर्ब होगा वो भी आपका सिंगुलर सेंस में होगा। क्यों सिंगुलर सेंस में यूज होगा, अब इसको समझिए। जैसे बोला जा रहा है कि आइदर ऑफ या ईच ऑफ, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर ऑफ का मतलब होता है कि या तो इनमें से कोई। तो यहां बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे में से एक की बात की जा रही है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, ईच ऑफ है। ईच ऑफ बहुत सारे लोगों में से प्रत्येक की बात की जा रही है, तो इंडिविजुअल की बात की जाती है, तो ये आपका सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर होता है तो इसके लिए अगर आप वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैंने आपको नाउन वाले चैप्टर में बताया था कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी सिंगुलर रहता है, और इसके लिए अगर आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे तो प्रोनाउन भी आपका किस तरीके से आएगा, ईच ऑफ के लिए, आइदर ऑफ के लिए जो है आप इस्तेमाल करोगे हिज का, प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करना हो तो दियर इस्तेमाल करोगे। तो ये कुछ रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे, ईच ऑफ द बॉयज हैज हैव हिज देयर ओन बुक। अब ईच क्या है आपका, सिंगुलर है, इसके बाद द आया है, फिर प्लूरल नाउन आया है, सॉरी बॉयज आपका जो है नाउन है यहाँ पे, और इसकी जगह कोई आपका प्रोनाउन भी आ सकता था। तो नाउन या प्रोनाउन जो भी आपका यहाँ पे रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, द के साथ इस्तेमाल होगा और प्लूरल सेंस में रहेगा। इसके बाद देखिए आपका वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो ईच जो है आपका सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, तो आपका जो वर्ब होगा वो हैज होगा, हैव नहीं होगा। हिज और दियर में क्या इस्तेमाल होगा, हिज होगा, प्रोनाउन है ये, तो ईच के लिए आया है, तो ईच आपका सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर जो है आप इस्तेमाल करोगे क्या, प्रोनाउन, तो दियर यहां पे इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझना है कि जो ईच है, आइदर है, नाइदर है, इनके बाद जब ऑफ आ रहा है तो ऑफ के बाद जब भी कुछ आएगा इमीडिएट बाद, नाउन या प्रोनाउन, तो उसको हम रखेंगे किसमें, प्लूरल में, और फिर उसके बाद जब वर्ब आएगा तो वर्ब आता है ईच के लिए, आइदर के लिए, नाइदर के लिए, तो वर्ब हमारा सिंगुलर रहता है। उसके जस्ट बाद जब फिर उसके लिए दोबारा प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं क्या, फिर से जो है सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे समझनी है, यही एक चीज़ है, और इस पे बेस्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसको और अच्छे से देखेंगे। एक देखो और क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके का, वी ईच, जैसे अभी हमने क्या किया, ईच पहले इस्तेमाल किया, अब ईच हम बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं, वी ईच। इस केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हैज हैव दोनों मैंने लिया है, इस केस में जो आपका वर्ब आता है, वर्ब आता है, अब वो ईच के हिसाब से नहीं आता है, जब हम नाउन या प्रोनाउन पहले ले लें, ईच पहले नहीं है, ईच क्या है, बाद में है। नाउन या प्रोनाउन अगर हम पहले ले लें तब उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री करता है। इस केस में ईच सब्जेक्ट नहीं है, वी सब्जेक्ट है, तो वी के हिसाब से यहाँ पे हैव आएगा, हैज नहीं, तो दोनों चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है, क्या अगर सेंटेंस ईच ऑफ से, आइदर ऑफ से, नाइदर ऑफ से, इनसे स्टार्ट हो रही हो, तो इनके बाद जो है हमेशा ध्यान रखना है कि प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन द के साथ आएगा, फिर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। लेकिन अगर ये जो ईच है ये बाद में आए, जैसे वी ईच करके लिखा है, कोई नाउन प्रोनाउन पहले आ गया उसके बाद ईच आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम लेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर ये प्लूरल है तो हम यहाँ पे वर्ब जो है प्लूरल लेंगे, और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हम वर्ब क्या करेंगे, सिंगुलर लेंगे। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे आपको बॉथ को लेके एक और रूल समझने की जरूरत है। जो बॉथ होता है हमारा वो दो के लिए इस्तेमाल होता है, आपको ये याद रखने की जरूरत है। और बॉथ जो है आपका निगेटिव जो है सेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। दो चीज़ें आपको बॉथ के विषय में याद रखनी, क्या, निगेटिव अगर सेंस हो तो आपको इस्तेमाल नहीं करना होता है बॉथ दो के लिए भी, और अदरवाइज जो है अगर पॉजिटिव सेंस है तो दो के लिए हम क्या करते हैं, बॉथ का इस्तेमाल करते हैं। तो जब दो के लिए हम निगेटिव सेंस में बॉथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइदर का। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ऑल ऑफ द टू आर गिल्टी। अब देखो जैसे यहाँ पे टू की बात की जा रही है और ऑल लिया हुआ है, तो दो के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बॉथ का, बॉथ ऑफ द टू आर गिल्टी, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। और यहाँ पे बॉथ ऑफ देम आर नॉट गिल्टी, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉथ नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, निगेटिव सेंस है, तो यहाँ पे क्या लोगे आप, नाइदर, नाइदर ऑफ देम आर नॉट गिल्टी, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। देम देख के ऐसा मत समझिए कि ये जो है दो से ज़्यादा के लिए है, देम का इस्तेमाल आप दो के लिए प्लूरल सेंस में जो है इस्तेमाल करते हो। अब चलिए जो है नेक्स्ट जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत आसान है, इससे बहुत सिंपल सा जो है क्वेश्चन आता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक तो पहले समझ लीजिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका होता क्या है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो म्यूचुअल रिलेशनशिप बताते हैं, एक दूसरे के साथ लेना देना बताते हैं, जिसमें ईच अदर और वन अनदर दो चीज आती है, ईच अदर और वन अनदर।
और इसमें भी बस एक ही चीज आपको याद रखने की जरूरत होती है, ईच अदर क्या होता है, दो के लिए इस्तेमाल होता है, और वन अनदर क्या होता है, दो से अधिक के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेगा, ही वॉज सो अफ्रेड दैट ही नीज नॉक्ड वन अनदर। अब जबकि नीज होती है वो दो ही होती है, तो नॉक्ड वन अनदर इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, ईच अदर। दो के लिए बस इतना ही ध्यान रहना है कि ईच अदर इस्तेमाल करना होता है। आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बेड ईच अदर। अब स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 दो तो होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे, और स्टूडेंट्स आपका प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे ईच अदर के बजाय क्या होगा आपका, वन अनदर। बस यही एक तरीके का जो है क्वेश्चन जो है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे जो है बनता है एग्जाम में। तो बस इतना बस याद रख लोगे कि ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल होता है, वन अनदर दो के अधिक के लिए इस्तेमाल होता है, तो कभी इस वाले प्रोनाउन में एग्जाम में आपको पंगा ही नहीं होगा। तो बस कीवर्ड ही याद रखना होता है कि ईच अदर दो, वन अनदर दो से अधिक के लिए। अब हम समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ही आसान होता है, इस पर सिर्फ दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और ये दोनों तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, एक बार आप समझ लोगे तो कभी एग्जाम में गलती नहीं होगी। तो इन दोनों जो है रूल्स को, इन दोनों तरीकों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझ लेते हैं। वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि जब हम पॉइंट आउट करने के लिए किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे हो गया हमारा दिस, यह, दैट, वह, दीज, ये प्लूरल होता है दिस का, और फिर दोज, वे, ये दैट का प्लूरल होता है। सच और द सेम जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ पे मैं इसकी मीनिंग समझाता हुआ चलूँगा। जैसे हमने बोला दिस इज़ ए कैट, यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है, तो मतलब यहाँ पे एक बिल्ली है किसी भी तरीके की बनी हुई, तो हम बोल रहे हैं यह एक बिल्ली है, तो पॉइंट आउट कर रहे हैं। दीज आर कैट्स, ये बिल्लियाँ हैं, तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये बिल्लियाँ हैं खड़े होके। अब इसी तरह बोल सकते हैं जैसे दिस इज़ ए बुक, ये तो सेम हो गया। अगर हम बोल दें दैट इज़ ए बुक, तो वह किताब है, दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं, तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि इधर कहीं दूर पे रखा, हम यहाँ से बोल रहे हैं वो किताबें हैं, यह किताब है, वह किताब, इस तरीके से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो पॉइंट आउट करने के लिए ये आपका प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इस पर किस तरीके का क्वेश्चन बनता है चलिए वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया दो, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है दिस इज द न्यू वर्जन, दैट इज एन ओल्ड वन। इसमें होता क्या है कि जैसे आपका आया एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके रिपीटेशन को जो है रोकना हो तो हम वन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वंस का। अब जैसे इस सेंटेंस में लिया हमने दिस इज द न्यू वर्जन, यह एक नया वर्जन है, और दैट इज एन ओल्ड वर्जन, दिस और दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉइंट आउट करने के लिए, और ये जो है न्यू वर्जन, ये आपका जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया कि यह एक नया, क्योंकि दिस हमको ये बता रहा है कि यह सिंगुलर है, कि यह नया वर्जन है, कोई चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, हम उसको पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं ये नया वर्जन है। फिर हम कह रहे हैं कि दूर कोई चीज़ पड़ी है तो वह पुराना वर्जन है, तो वो भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सेंस में हम वन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो वन आया है ये वर्जन के सेंस में आया है, जो न्यू वर्जन है, कोई भी चीज़ आपकी पड़ी हुई है उसी के लिए जो आपका वन आया है। तो ध्यान रखिएगा रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्लूरल सेंस में हम वंस का इस्तेमाल करते हैं, दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस। हमने ये बोला कि इधर किताबें पड़ी हुई है प्लूरल सेंस में, कि यह नई किताबें हैं, और फिर पॉइंट आउट किया वो दूर पे रखी हुई हैं पुरानी किताबें, तब जो दूर पे रखी हुई हैं उसके लिए हम दोबारा बुक्स नहीं लिखेंगे, दोबारा किसका इस्तेमाल करेंगे, वंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में इस तरीके से आएगा, वंस में एपोस्ट्रॉफी लगाएगा, तो बस आपको याद रखना है कि वंस में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं, वंस ऐसे लिखते हैं। ये जो वन होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, और वंस किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, नाउन में इसके विषय में मैं पूरा डिटेल पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ये क्या है, ये एग्जेक्टिव प्लस प्रोनाउन का मिक्स रूल है। कैसे मिक्स रूल है, जैसे एग्जेक्टिव में जब आगे चल के पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कंपैरिजन करना सिखाया जाएगा, तुलना करना सिखाया जाएगा क्वालिटीज़ वगैरह का या फिर किसी चीज़ों का, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ये पढ़ाया जाएगा कि जो हमारा तुलना होता है, जो कंपैरिजन होता है, दो सिमिलर चीज़ों में करते हैं, सिमिलर चीज़ों में करते हैं बोले तो एक समान चीज़ें हो तभी हम उसमें तुलना करते हैं, अदरवाइज हम तुलना नहीं कर सकते हैं। ये आपको एग्जेक्टिव में सिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई, जो पुणे का क्लाइमेट है वो मुंबई से अच्छा है। तो यहां पे देखिए कंपैरिजन कैसे किया जा रहा है, यहां पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि पुणे का क्लाइमेट मुंबई से अच्छा है, लेकिन सेंटेंस में कहने का क्या मतलब है कि जो पुणे का क्लाइमेट है वो मुंबई के क्लाइमेट से अच्छा है। तो यहां पे मुंबई के क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आपको प्रोनाउन लेना पड़ेगा, और द क्लाइमेट आपका क्या है, सिंगुलर है।
क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में आप क्या लेते हो, देन के बाद लगाओगे दैट, दैट आपका सिंगुलर होता है, दैट ऑफ मुंबई लगाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कंपैरिजन जब करोगे तो कंपैरिजन सिमिलर चीजों में करोगे, तो द क्लाइमेट ऑफ द पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई होगा। इसी तरह दूसरे में है द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन मुंबई। अब जो स्ट्रीट्स है ये आपका प्लूरल है और कंपैरिजन किसे कर रहे हो, मुंबई से कर रहे हो, तो दिल्ली के स्ट्रीट की कंपैरिजन मुंबई से कर रहे हो, लेकिन करना किससे है, मुंबई के स्ट्रीट से है। तो यहाँ पे मुंबई के पहले आपको एक प्रोनाउन लेना पड़ेगा जो ये रिप्रेजेंट करे कि हम स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, तो ये प्लूरल है तो आप इस्तेमाल करोगे यहाँ पे दोज ऑफ का। तो ये आपका एग्जेक्टिव और प्रोनाउन का मिक्स रूल है, जब एग्जेक्टिव में चलेंगे तो इसको दोबारा पढ़ेंगे तो वहां दोबारा से आपका रिवीजन हो जाएगा। बस एग्जेक्टिव में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, एग्जेक्टिव में ये पढ़ाया जाएगा कि जो हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, दो समान चीजों में करते हैं, असमान चीजों में नहीं करते हैं। तो ये जो है आप रूल याद रखिएगा, बस यही दो तरीके का डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इसी वक्त इसको स्टोर कर लोगे तो कभी भी आपको एग्जाम में ये दिक्कत होगी नहीं, और जरा बहुत नहीं, ये कई बार सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो आज जो है मैं ये वाला लेक्चर यहीं तक ले रहा हूँ। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं क्या करूँगा, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करूँगा। रिलेटिव प्रोनाउन को थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा टफ है और एग्जाम में उससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, और जब क्वेश्चन बनते हैं तो समझ में नहीं आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन को मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊं कि आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में आ जाए कि रिलेटिव प्रोनाउन की गलती है यहां पे और हमको गलती नहीं करनी है, हमको एग्जाम क्रैक करना है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन के साथ और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।